सर, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी यूनिक होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में आपको एक बाइक नहीं, दो बाइक नहीं, आपको तीन तीन बाइक दिखेगी। तो रमन भैया से बात करते हैं, उससे कितना टाइम और कितना बजट लगता है, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 1.5 लाख से और जाएंगे सीधा 3, 3.5, 4 लाख तक। तो रमन सर हमारे साथ हैं, क्योंकि सर ने ही सारी बाइकें बिल्ड करवाई हैं। तो सर कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर एक चीज़ बताइए, पहली बाइक हम ले लेते हैं, इसका बजट सबसे ज़्यादा या सबसे कम है, पहले आप ये बता दो। इसका थोड़ा सा मतलब रीजनेबल क्या बीच में है, बीच में है, ऑन एवरेज है। ओके, तो अगर हम स्पेसिफिक बाइक की बात करें, कौन सी बाइक थी, किस चीज़ में बिल्ड करी है, कितना पैसा लगा, कितना गाड़ी जो बनाई है, ये थंडरबर्ड एक्स पे हमने बनाई है, 2018 मॉडल है। ठीक है, कस्टमर की हमारी बाइक थी। इसमें हमारा जो अप्रोक्सीमेटली जो प्राइसिंग जो आया 1,60,000 रुपीज़ का, इसमें 1,60,000 रुपये जी। इसमें बाइक कस्टमर की थी और आपने सारी चीज़ें जी। ओके, तो यहाँ पे आपने कौन मतलब 1,60,000 में आपने क्या क्या चीजें चेंज करी, थोड़ा सा बताना चाहोगे? कस्टम पेंट जो चेंज करी है, कि जैसे आप देख सकते हैं टैंक हमने चेंज किया है, कार्बोरेटर कवर हमने इसमें हमने करे हैं, हमने सीट हमने की है, आगे हमने डोम करा है, डोम के साथ केसिंग है, मीटर मीटर केसिंग है, टी हमने इसमें हमने चेंज हमने करी है, हैंडल चेंज किया है, आगे पीछे के मड गार्ड हो गए, आपके अलॉय व्हील हो गए, आपके टायर्स आपके हो गए, एंड आपका ये बैंड पाइप रैप हो गया, ये कम्प्लीटली आपका पेंट हो गया। ओके, जो मेन जो हमारा जो एक जो कंसर्न जो है वो हमारा पेंट पे है। पेंट ही है जो चीजें जो है वो बन तो जाती हैं, पर जब तक पेंट नहीं निकल के आता तब तक वो चीजें आपकी नहीं निखर के आती। बेसिकली ऐसा पेंट अगर आपको कराना, तो यार इस पेंट में काफी मेहनत और काफी टाइम, बजट भी ज्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी मास्किंग होती है और उसके बाद ऐसा पेंट निकल के आता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सर ने आपको बता दिया कि भाई बाइक में टायर टू टायर मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन आप मान लो सब कुछ चेंज हुआ हुआ है, टी लेके, मडगार्ड लेके, आपका ये डोम लेके, मीटर लेके, और वैसे ही सारी बाइक जो हम आज आपको दिखाएंगे सारी बाइक्स ऐसी हुई हैं। बट बजट क्यों ज़्यादा है वो सर आप बताओगे, कि क्रोम वर्क हो गया या फिर आपका टायर को रिलेटेड हो गया। तो इतने करते करते हम दूसरी बाइक पर रहते हैं, इस वाली पे। तो इसमें आप बताना चाहो, इसका पहले बजट बता दो, टाइम बता दो, फिर उसके बाद चलते हैं। इसमें हमारा ये जो बजट जो है, इसमें हमारा टाइमिंग जो लगता है, इसमें तकरीबन कुछ अराउंड कोई 1.5 लाख रुपए तक का इसमें हमारा खर्चा आता है। ठीक है, टाइमिंग की अगर बात करें, जैसे मैं आपको बताऊँ कि 50 डेज हम लेके हम चलते हैं। ओके, मोटा मोटा 50 के साथ हम एक थोड़ा सा बफर भी लेके जाते हैं, 2 महीने की हमारी ये जॉब है। ओके, और इसमें हमारा जो इसमें जो चीज़ें जो लगी हुई हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कंपैरेटिवली, उसके साथ आगे हमने 130 नंबर का टायर हमने लगाया हुआ है, पीछे हमने 140 नंबर का टायर लगाया हुआ है। ओके, 15 इंचेस के हमने इसमें अलॉय लगाए हैं, टी लगाई हुई है, वही चीजें आपका मीटर विद कस्टम कस्टम सारी चीजें हुई पड़ी हैं, राइजर से लेकर एवरीथिंग, आपका ये मडगार्ड हो गया, ये इनबिल्ट, ये सब कुछ हमने इसमें किया हुआ है। ठीक है, बैटरी बॉक्स आप कह लो। एक चीज और, हम जब पेंट जब हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, तो इंजन जो होता है वो भी हम इसमें रीपेंट हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, अगर आप नॉर्मल किसी मैकेनिक पे जाओगे ना और आप बोलो कि भाई मेरे को पूरी बाइक चेंज करानी है और मुझे इंजन उतारना है, तो 7,000 से 8,000 रुपए तो वही ले लेता है एक इंजन को उतार के रखने में, क्योंकि इंजन उतर तो जाता है पर लगाने में बहुत मेहनत होती है, मेंटल में थोड़ा टाइम लगता है, असेंबल करने में और ज्यादा टाइम लगता है। तो ये चीजें होती है। ओके, तो इसका बजट आपको समझ में आ गया, इसका बजट आ गया। अब अपनी जो शो स्टॉपर होती है ना, उस पे आ रहते हैं। तो सर इसका क्या नाम है, कितना बजट है, कितना टाइम लगता है? देखिए विशेष, इसका हमने नाम हमने रखा है मिनी चॉपर। ओके, ठीक है, ये हमारे एक बहुत प्यारे सज्जन हैं, उनके साथ हमारा काफी अच्छा बढ़िया हमारा संबंध है, तभी जो चीजें जो है हमने उनके लिए बनाई है। हाँ। और ये पूरा जो हमारा जो बजट जो है, ये तकरीबन आप 490 तक जो है ये कम्प्लीट बाइक के साथ बन जाती है। 4 मंथ्स के अंदर अंदर जो चीजें जो है हम आपकी ये जॉब आपकी रेडी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज फिर से बोलना चाहूंगा, सर ने ये चीज बोली है कि बाइक के साथ, मतलब डोनर बाइक सर ने प्रोवाइड करी है, 2017-2018 मॉडल आपको मिल जाती है, क्योंकि राइडोफाई डील्स इन सेकंड हैंड बाइक्स आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल करता है, आपके जितने भी आपके नियर एंड, खास करके दिल्ली को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपके अगर कोई व्यूअर्स हैं जो आपके दिल्ली में रहकर, बिल्कुल आप एक बार विजिट कीजिए, चीजों को समझे, पहले चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। सही बात है, अगर आपको लगती है कि हम इस काबिल हैं कि हम आपकी चीजें बना सकते हैं, हम आपके लिए जो जॉब जो है बिल्कुल आपकी पूरी करेंगे। और इसका बजट इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि मैं अगर आगे से लेके चलूं, 120mm का टायर आगे लगा हुआ है, उसके बाद इसके शॉकर्स चेंज है, टी में काम किया गया, उसके बाद हेडलाइट डोम दे सकते हो आप, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो इसका है क्रोम वर्क, उसके बाद इसके साइलेंसर्स या एग्जॉस्ट मान लो आप पीछे लगा हुआ है, इसमें 190mm का टायर विद कस्टम अलॉय, मतलब 190mm टायर तो मिल जाता है पर अलॉय बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत है। वो एक हमारे लिए चैलेंजिंग क्या होता है कि हर चीज चैलेंजिंग है, अगर आपने ये चीज शुरू करी है तो वो आपको चैलेंज लेना ही पड़ेगा। सही बात है, ये सब कुछ जो चीजें जो है वो रिलेटेड होती है कस्टम से ही, ये कस्टम से ही चीजें आती हैं,
टायर मिल जाता है, पर उसको आपने किस तरीके से बिठाना है। टायर एक लेना बड़ी बात है, बिठाना उससे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है, क्योंकि ये बाइक धीरे तो चलती नहीं है। Exactly. अगर आप कस्टम मिनी चॉपर बनवाओगे तो ऑब्वियसली आप हाईवे पे लेके जाओगे और हाईवे पे 100 से नीचे कोई बाइक चलती नहीं है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आपको ये दिखाने के लिए बनाई गई है कि भाई यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की बाइक भी है, यहाँ पे 1.70 की भी है और यहाँ पे 2 लाख रुपए की बाइक है। और वो चीज़ें जो आपको समझ में आई होंगी कि भाई हाँ इसका बजट ज़्यादा क्यों है, इसका बजट उससे कम क्यों है और उसका बजट इससे ज़्यादा क्यों है। तो यार वीडियो करते हैं यहीं पर रैप अप। अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, क्योंकि भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज आप नहीं देख पाओगे। तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना।